जब से खेसारी लाल यादव का वीडियो एल्बम रिलीज हुआ है सेटिंग करा के जाए जान, आपने देखा होगा कि यूट्यूब के ट्रेंडिंग पर खेसारी लाल यादव चल रहे हैं। जी हाँ, ट्रेंडिंग नंबर 1, 3.2 मिलियन व्यूज एक दिन में। भाई किसी भी एल्बम के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको बता दें कि रितेश पांडे का एल्बम हेलो कौन बोल रहा है ने भी इतनी ट्रेंडिंग हासिल नहीं की थी जितनी कि खेसारी लाल यादव ने हासिल कर ली है। वैसे नंबर 1 ट्रेंडिंग चलने के लिए खेसारी लाल यादव को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। खेसारी अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है। वैसे इस बार खेसारी ने एक्सपेरिमेंट किया है गुंजन पंत के साथ और उनकी ये जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। आपको बता दें कि गुंजन पंत और खेसारी लाल यादव बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके पहले गुंजन पंत ने खेसारी लाल यादव के साथ छठ के गीतों के एल्बम में आपको देखी गई होंगी और वो भी एल्बम काफ़ी सुपरहिट हुआ था। उसके बाद खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी और गुंजन पंत, इन तीनों की तिकड़ी काफ़ी बेहतरीन लग रही है सेटिंग करा के जा वीडियो में। गाना तो पहले ही सुपर डुपर हिट था और अब वीडियो आया है जो दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है। इसमें गुंजन पंत का मॉडर्न अवतार भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। वैसे मॉडर्निटी के लिए गुंजन पंत जानी ही जाती हैं। गुंजन पंत का ग्लैमरस लुक हमेशा लोगों के अट्रैक्शन का कारण बना रहता है। वैसे यहाँ एक बात आपको और बता दें, हाल ही में IBFA जो सिंगापुर में अवार्ड हुआ था, वहाँ पर खेसारी के न बुलाए जाने पर अच्छी खासी नाराज़गी गुंजन पंत ने जताई थी। उन्होंने कहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो डिज़र्व करता है उसे तो अवार्ड मिलता नहीं और जो डिज़र्व नहीं करता है उसे भर भर कर अवार्ड दिए जाते हैं। यहाँ पर गुंजन पंत ने खेसारी का सपोर्ट करते हुए ये भी कहा था कि खेसारी उनके बहुत अच्छे मित्र हैं और खेसारी एक मेहनती एक्टर हैं। वैसे जब से बिग बॉस के घर में से खेसारी लाल यादव आए हैं तब से वो ट्रेंडिंग में ही तो बने हुए हैं। कभी बिग बॉस को लेकर ट्रेंडिंग में थे और अब अपने वीडियो एल्बम को लेकर ट्रेंडिंग में हैं। फिर पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दिल्ली के स्टेज शो के लिए भी खेसारी लाल यादव ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी यूट्यूब पर, तो भाई व्यूज़ की बौछार लग गई थी। और अब खेसारी लाल यादव और गुंजन पंत और काजल राघवानी की तिकड़ी ने जो कमाल दिखाया है कि अब आपको हम इसके लिए क्या बोलें, क्योंकि YouTube की ट्रेंडिंग ही इसकी सक्सेस है। हो सकता है कि आने वाले कई वीडियोस में ये तिकड़ी आपको देखने को मिले। भाई हम तो यही आशा करेंगे कि भोजपुरिया दर्शकों को इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिले और भोजपुरी का नाम और भी आगे जाए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।